आप में से कई सारे भाइयों को ये लगता है कि जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो प्रोसेस जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर छोटी सी गलती भी अगर आप वहाँ करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और फिर आपको 3 से 6 महीने का जो है वेटिंग टाइम मिलता है। उसके बाद ही आप उस क्रेडिट कार्ड को या उस बैंक में कोई भी दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। बिना किसी डॉक्यूमेंट के ये क्रेडिट कार्ड मैं अप्लाई वाला हूं और आपको एक क्रेडिट कार्ड जो तुरंत मिल जाता है, बहुत देर नहीं लगती है। आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, टोटली लाइव रहेगा, कोई भी जो स्टेप आपको मिस नहीं करनी है अगर आप HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप फिलहाल में कोई HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कितनी उसकी लिमिट आपको मिली हुई है। अब वीडियो का जो टॉपिक है कि आप किस तरीके से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 2023 में, उसको शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग में जो है लॉगिन कर लेता हूं। यहां पर मुझे जो है कस्टमर आईडी और पासवर्ड या पिन जो है इंटर करना है और उसके बाद में जो है HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है उसमें लॉगिन कर सकता हूं। यहाँ पर इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है कार्ड्स पे जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर आप जो है क्रेडिट कार्ड को अवेल कर सकते हो, इस लिंक पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ये स्क्रीन आपके सामने आएगी सबसे पहले आपको जो आपकी आइडेंटिटी है उसको जो है वेरीफाई करना है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इंटर करनी है। जैसे कि मेरा HDFC बैंक के अंदर ऑलरेडी एक सेविंग अकाउंट है तो मैं ये डिटेल वैसे वेरीफाई कर पा रहा हूँ। यहाँ पर ये दोनों ही डिटेल डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 1500 रुपये के वाउचर मिलेंगे और यहाँ पर आप जो है OTP पा सकते हैं। जैसे ही आप OTP पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा, उसको आपको यहाँ पर जो है इंटर करना है। OTP यहाँ पर डालने के बाद आपको नीचे जो है व्यू योर कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो है HDFC बैंक की तरफ से मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड जो है ऑफर हो रहा है और यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की कुछ की बेनिफिट्स उनके बारे में बताया गया है। ये मुझे जो है अभी जो है रिन्यूअल फीस एनुअल फीस के साथ नहीं मिल रहा है, कोई मुझे इसके लिए फीस पे नहीं करनी है। नीचे मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ कि अब मैं जो है दूसरे स्टेप के ऊपर हूँ। जैसे ही आप जो है नीचे आएंगे गेट दिस कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है आपका एड्रेस जो है वेरीफाई करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस है वो वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है वो यहाँ पर आपको जो है वेरीफाई करना है और उससे नीचे आप सबमिट एंड वेरीफाई पे जो है क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पर आपको HDFC बैंक का जो लॉगिन है वो करना, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास HDFC बैंक का सेविंग अकाउंट है और यहाँ पर जो है कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड और पिन डालता हूँ और उसके बाद जो है हम इस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाएंगे लॉगिन पे क्लिक करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है आपको 7 से 10 दिन के अंदर जो है मिल जाएगा आपके कंफर्म एड्रेस के ऊपर। नीचे आप इनको जो है रेटिंग दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने कितने इजी तरीके से एक क्रेडिट कार्ड को जो है अप्लाई कर दिया और इसके लिए मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है बैंक को नहीं दिया है और एक क्रेडिट कार्ड जो है तुरंत मुझे जो है मिल जाएगा। 7 से 10 दिन के अंदर मेरे जो है एड्रेस पे ये जो है इसकी फिजिकल कॉपी आ जाएगी। तो भाई आज इस वीडियो में आपने जाना कि आप किस तरीके से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 2023 के अंदर बिना किसी डॉक्यूमेंट के। वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसी बात पे वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें।